हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मंजू गुरु भारद्वाज चैनल में। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और वैसे तो इस टाइम हम काम करके एक्चुअली सब कुछ फ्री हो जाते थे, ऑलमोस्ट सारा काम फ्री हो जाता था। लेकिन आज आप पीछे देख सकते हो, और हमने यहाँ पे पीछे मतलब जो नीचे रखने वाले गद्दे होते हैं ना, सारे कवर हमने निकाल के रख दिए हैं बाहर। और एक्चुअली क्या है कि बरसात का मौसम होता है तो गीले पाँव से आते हैं, बच्चों का काम होता है ना, बच्चे क्या बड़े भी ऐसे हो जाते हैं तो गंदे पाँव से, वो गीले पाँव से चले जाते हैं, तो उसमें फिर आजकल बरसात के मौसम के साथ गंदी सी स्मेल आने लग पड़ती है। और आज तो इसलिए मैंने पूरा जो है ना सफाई अभियान जारी कर दिया है। और ये देखो कम्बल यहाँ पे सब कुछ, और पूरी साइड में हमने ना अभी तक मतलब कोई भी प्रॉपर साफ सफाई नहीं हुई है। और यहाँ पे जैसे अब थोड़े दिनों पहले आपको तो पता था कि स्टिचिंग का काम बहुत पड़ा हुआ, जिसके चलते मैंने जो था कोई भी काम अपना प्रॉपर नहीं किया था। अब थोड़ा सा काम हल्का हुआ है तो मैं इसलिए स्टिचिंग का काम तो चलता रहेगा, वो तो कभी भी देखो ना तो ख़त्म होगा, और भगवान की दया से कभी ख़त्म भी ना हो, क्योंकि वही यही तो हमारी मतलब एक बात बोली जाए तो मतलब इनकम का साधन है ना। वैसे तो हस्बैंड भी काम करते हैं, लेकिन दोनों अगर साथ के मिलकर काम करेंगे तो थोड़ा हो जाता है घर का, थोड़ा मतलब सर्कल और भी अच्छा चल पड़ता है। तो अभी देखिए इतना मतलब मैं बैक कैमरे से बताती हूँ आपको। बच्चों ने ना छुट्टियाँ पड़ी, अपनी बुक्स वगैरह भी इधर उधर फेंक के रखी है। अभी बेटी का स्कूल तो लगने वाला है, और जो अभी घर पे हमने दवाइयाँ वगैरह लाते थे, बच्चे बीमार होते थे तो वो भी अभी जैसे एक एक दो दो मंथ जो है ना अभी एक्सपायर हुए, वो भी मैंने फेंक दिए। मैंने पता नहीं दो डस्टबिन फेंक दिए, और तीसरा डस्टबिन भी रेडी हो गया। मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये तीसरा डस्टबिन है पूरा, हमने जो एक्सपायरी सामान था, और ये देखो हमने टेबल के ऊपर इतना मतलब अभी हम साफ सफाई के चलते कितना गंद डाल के रखा हुआ है। और लैपटॉप अभी भी ऑन है, दूसरे फ़ोन भी ऑन है, हमारे फ्रेंड्स की इसमें जो है ना अभी प्लेलिस्ट चालू है। अभी तो मेरे हस्बैंड जी है इसमें, अभी भजन वगैरह लगा के गए हैं ना। और ये देखो प्रिसिस के ऊपर मैं चढ़, ये देखो बच्चों का काम, और ये बुक्स वगैरह सभी अपने बैग में, मैंने तो इसको बोल दिया डाल लिया, अब ये अपने बैग में ना डाल ले। ये देखो पूरा अपना बैग वगैरह प्रॉपर, फिर पता क्या होता है इतना कूड़ा भी नहीं पड़ता। अभी बस थोड़ा सा ये काम बचा है स्टिचिंग का भी, और इसके बाद मेरा ये है कि ये वाली जो रजाई है ना, इसका ना रुई निकलना स्टार्ट हो गई है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना इसकी जो रुई निकल रही है ना वाइट वाइट, इसका मैं क्या बनाऊँ। और ये देखिए अभी ना ये फ़ोन ले रहा था, और फ़ोन इसके छीन के अभी रखा ही है, और ये बैग में डाल ले सारी बुक्स वगैरह। तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके बताना कि इसका मैं क्या बनाऊँ, तक पिलो कर दूँ या फिर इसके कुशन भर दूँ कोई, क्योंकि ये बिल्कुल ना ख़राब हो गई है रजाई, पिल साइड से बिल्कुल रुई इसकी निकल रही है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। आप सभी लोग यही सोचते होंगे कि छत के ऊपर आके हमेशा व्यू बताती रहती है, लेकिन ना अभी तक टाइम इतना हुआ नहीं है, अभी तक टाइमिंग हो रही है 7:15। और वो देखो बारिश के ना छोटी छोटी बूंदें पड़ने स्टार्ट हो गई है। आज तो पूरा दिन काम में निकल गया, बस काम काम है, और साथ में गेस्ट भी आ गए थे, और गेस्ट गए मॉर्निंग के सॉरी इवनिंग के 3 बजे। और
फिर पता क्या, आज एक्चुअली मैंने फटाफट सफाई की, जैसा कि मैं आप मेरे ब्लॉग में देख ही सकते हो, और पूरा दिन बिल्कुल आज बिजी स्टूल में ही चला गया, क्लीनिंग करते ही चला गया पूरा काम। और दिन में तो बस बैठने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं थी, काम करते रहे। तो थोड़े से गेस्ट आ गए तो थोड़ी शाम के टाइम गेस्ट जाने के बाद ही मैं नहाई, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं था। वो भी 1:15 के तकरीबन आए थे ना, और 1:15 के बाद बस वो भी 1.5-2 घंटे रुके, 3 बजे वो चले गए। बस उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा कुचा काम था वो वाला किया और फ्री हो गए हम। और एक मेरे मतलब मुझे कमेंट आया था, कमेंट में हम नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये जो मोती है ना, इसको मतलब इस फिंगर में नहीं डालते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना कि किस फिंगर में डालते हैं, क्योंकि ये जो है ना, जोशी जी ने बताया था मेरे को, पंडित से पूछा था, तो इन्होंने मेरे को इस फिंगर में डलवाया था, मतलब डालने के लिए बोला था इस फिंगर में। और दूसरी बार अगर आप इस, ये तो दूसरे जो फिंगर बताइए ये था मोती, और अगर आप शायद इस मोती के बारे में बात करें तो ये मोती नहीं है, ये ओपल का नग है, ओपल का, ठीक है। तो ये भी पंडित ने ही बताया था, और इसी फिंगर में डालने के लिए बोला था, ओपल का नग है ये, नग बोलते हैं मतलब ओपल का ये बोलते हैं इसको, नगीना, हाँ, तो इसी फिंगर में डालने के लिए बोला था। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मतलब कमेंट में इतने अच्छे कमेंट आते हैं। जैसे एक दिन पहले का ब्लॉग मैंने डाला था, तो एक मेरी सिस्टर है, क्योंकि आप सबको लोगों को तो पता ही है कि इसमें एक्चुअली नाम नहीं मतलब लेना चाहिए। और एक भैया है, वो भी मतलब जॉब करते हैं बाहर ही है, तो बोलते कि तवा उल्टा नहीं रखते हैं, सच्ची बात है, तवा उल्टा नहीं रखते। मेरी मम्मी भी आती है, वो भी बोलते कि तवा उल्टा नहीं रखता है, अच्छे नहीं होता है तवा उल्टा रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू भैया, आपने बताया कि मतलब ये जो मोती का और ये जो है, तो ये मेरे को ना पंडित ने बताया था, लेकिन थैंक यू फिर भी आपने मुझे ये सब मतलब बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी बारिश लगनी भी स्टार्ट हो गई है,